गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं सुल्तान अहमद आप सभी का इस सम्मान समारोह में वेलकम करता हूँ लैम्प लाइटर कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप लोग एक बार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। तो ये जो है सम्मान समारोह पहला एपिसोड है जिसमें और भी होते रहे, क्योंकि जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सभी नहीं आ पाए इस टाइम। तो उसमें से कुछ बच्चे जो आ पाए हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो विजेता हैं हमारे, जो नीट में सिलेक्ट हुए बच्चे, वो सब कुछ बच्चे आए हैं। तो उनमें से हम कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। तो आप लोग ही जोरदार तालियों से और हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, अलाउड नहीं होता। वैसे मेरे जैसा कि लोग जानते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, वैसा हूँ नहीं। आप लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं और जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं उन विजेताओं का जो नीट में सेलेक्ट हुए हैं। जोरदार
जो गार्जियंस हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ और बाकी चैंपियंस का तो वेलकम है, और उससे उसके बाद जो सबसे बड़ा वेलकम है हमारी लैंप राइडर टीम का, तो जबरदस्त क्लैपिंग हमारी लैंप राइडर टीम के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये फंक्शन अभी किस्तों में होना है, ये पहली किस्त है ना, क्योंकि सारी किस्त एक बार हम लोग अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आज कुछ चार पांच लोग क्या है आप आए हैं, और जो अपनी बेस्ट फ्रेंड है वो भी हम लोग के साथ में आज। तो आप लोग जानना चाहते हैं, yes, मिलना चाहते हैं, yes, लग नहीं जाओ, yes, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जोरदार हल्ला गुल्ला और ताली। मुझसे कहा है कि आप दो शब्द बोलेंगे, लेकिन आप जानते हैं भारतीय आदमी जब दो शब्द बोलता है तो दो शब्द खत्म नहीं होते है ना। तो मैं आप लोगों को इस ओकेजन पे कुछ बोलना चाहूँगा, ये ओकेजन था, ये बंद कर दीजिए मॉडल बंद कर दिए, ये ओकेजन न लैम्प राइडर टीम का है, ये ओकेजन सारे चैंपियंस का है, आपके गार्जियंस का है और आप सबका है। आज हम उत्सव मना रहे हैं इस बात का कि जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने उस कामयाबी को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की, और जब कोई कीमत अदा करता है तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये उसी का हल्ला गुल्ला है। और आप लोग इन लोगों में खुद को देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये लोग कामयाब हुए वैसे आप भी कामयाब हो सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि ये फंक्शन शुरू हुआ है लैम्प राइडर के अंदर, नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों से कमिट कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होने वाला है। तो कितने लोग हैं आप में से जो क्रिस को ग्रैंड लेवल पर ले जाना चाहते हैं, हाथ उठाइए और उसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे, वेरी गुड। तो कुछ बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ जो इंस्टीट्यूट के बारे में है, गार्जियंस के बारे में है और बच्चों के बारे में है। सबसे पहली चीज़ मैं इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूँ कि लैम्प राइडर कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो 2009 में शुरू हुआ, और एज अ होल इंस्टीट्यूट नहीं था ये। 2009 से जब इसकी शुरुआत हुई तो एक ही मकसद था, जो बच्चे यूपी में हैं वो एक सही डायरेक्शन को पाए, क्योंकि जब यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा कि बच्चों के पास पोटेंशियल बहुत है, आप सबके पास बहुत पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन आपका पोटेंशियल कभी भी बाहर नहीं आता है। उसका रीज़न होता है आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलता, सही बात नहीं पता चलती कि सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है। आज वैसे आप लोगों को चैंपियंस ही बताएंगे कि उन्होंने सिलेक्शन के लिए क्या किया। तो उसी एक सोच से कि बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिल सके, वो सही डायरेक्शन में जा सके, इस कैरियर इंस्टीट्यूट लैम्प राइडर की शुरुआत हुई। और 2019 में अंडर वन रूफ सारे सब्जेक्ट्स आए और सारी चीज़ें शुरू हुई जो आज आप देख रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है, हम सभी फैकल्टी में बस जितने भी लोग पढ़ाते हैं या जो लोग भी सर्विस में हैं, मैनेजमेंट में हैं, उनका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल जाए। आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास ब्रेन है, आपको अगर डायरेक्शन मिल जाएगा तो आप कामयाब हो, राइट। तो लैम्प राइडर का नाम ही लैम्प राइडर इसलिए है क्योंकि वो लैम्प राइडर है, वो आपके रास्ते में रोशनी करने के लिए है, चलना आपको। दूसरी बात मैं करूंगा चैंपियंस के बारे में, और उससे पहले मैं उनके गार्जियंस के बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होता है किसी भी गार्जियन के लिए। आप सबके भी माँ बाप ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा जा रहा है तो डॉक्टर बन जाए, सेलेक्ट हो जाए। एक्चुअली डॉक्टर जब आप बनते हैं, कोई भी बच्चा डॉक्टर बनता है, तो उसके गार्जियन को क्या मिलता है? अगर आप देखेंगे तो फिजिकली कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर किसी से भी पूछेंगे, मदर है, ये फादर है, तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक्चुअली इन्हें सब कुछ मिलता है जो किसी को नहीं मिलता है। और जानते हैं वो क्या है? वो है सुकून, वो है अंदर एक आपको जो हैप्पीनेस है
जो खुशी है वो मिलेगी। सुकून और खुशी जो आपके माँ बाप को मिलेगी आपके सिलेक्ट होने पर, वो किसी को नहीं मिलेगी। उसका कोई प्राइस नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, आप कोई कीमत नहीं दे सकते। तो और आपके सिलेक्शन में आपके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप तो समझते ही नहीं कॉम्पिटिशन क्या है, वो तो जानते ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो समझते ही नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप मुझे नहीं जानते। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि आपके माँ बाप आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनकी एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है, वो है उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, जो सारी चीजों से सर्वोपरि है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके साथ अगर आपके माँ बाप की ब्लेसिंग है तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपके माँ बाप की ब्लेसिंग आपके साथ नहीं है तो दुनिया में आप हो सकता है पैसे कमा लेंगे लेकिन जिंदगी नहीं कमा पाएंगे, ये कन्फर्म है। तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके सामने कुछ गार्जियंस बैठे हुए हैं और मैं उनका बहुत वेलकम कर रहा हूँ, बहुत मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, अपना वक्त निकाल करके आए। और चैंपियंस, उनके बारे में क्या बोलें, कुछ बोलने की जरूरत है? देखिए, अगर आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करनी होती है। आज हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग इन्हें देख रहे होंगे, अच्छा ये आ गए, ये पढ़ते थे सिलेक्ट हो गए, अच्छा सिलेक्ट हो गए, लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना वक्त दिया, कितना बलिदान किया, कितना सेक्रीफाइस किया, ये आप नहीं जानते। ये जो आपको दिख रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, अभी मेन जो इसके पीछे का वर्कआउट है वो आपको नहीं दिख रहा है, इन्होंने कितनी इच्छाओं को त्याग किया वो आपको नहीं दिख रहा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तराशा हुआ हीरा है, लेकिन जब हीरे को तराशा जाता है तो बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? तो तराशने के बाद अपनी कामयाबी को हासिल करके वो यहाँ तक पहुँचे, मैं उनका भी बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत ज़्यादा वेलकम, और बहुत आशीर्वाद है मेरा, बहुत प्यार है हम सारी टीम का, हम सारी फैकल्टी मेंबर्स का, बहुत आशीर्वाद बहुत प्यार है। तो बस मेरे दो शब्द पूरे हो गए, कभी और सुनना है तो कुछ मेरे पूरे हो गए, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज जो बोलने का काम है वो आज चैंपियंस का, ठीक है? तो हम लोग बहुत ज्यादा वक्त ना खराब करें और हम लोग इनके सम्मान समारोह को आगे बढ़ाएं। तो बढ़ाए जाए, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग ज्यादा इनको सुनेंगे और आगे आने वाले जो सेशन में ही आपसे आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि आप इनको इनसे सवाल पूछ सकेंगे, इनके बारे में जान सकेंगे, इनको परख सकेंगे कि क्या इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये आज यहाँ पहुंचे, ठीक है? तो हम लोग शुरू करें आगे आगे बढ़ाए जाए, राइट? तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। सर यहीं रुक जाइए प्लीज आप, क्योंकि मैं अकेला काफी नहीं हूँ सबको इनवाइट करने के लिए, जो सेलेक्ट बच्चे हुए हैं, जो चैंप्स हैं, जो विजेता हैं यहाँ, ठीक है? तो और टीचर्स को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, शमीम सर प्लीज स्टेज पे आइए आप लोग। तो सेकेंड स्टूडेंट को मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो चैम
सना अंसारी प्लीज। एक बात सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली सिलेक्शन है जो हमारी उज्मा कमर, प्लीज स्टेज पे आएंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सना अंसारी एंड माय फादर शमीम अंसारी एंड माय मदर्स नेम इज रेशमा अंसारी। मैंने अपनी एजुकेशन जो इंटर किया है वो पानीकुंज इंटर कॉलेज लखनऊ से और रहने वाली भी लखनऊ की हूँ। मेरे हिसाब से आई एम फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड बहुत खुशी होती है और बाकी तो मेहनत पे ही डिपेंड करता है कि हाँ कितना कर सकते हो। यू हैव टू बी परसिस्टेंट कंसिस्टेंट और स्टिक टू योर गोल्स, नॉट एनीथिंग एल्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उज्मा कमर और माय मदर्स नेम इज नूपना, शी इज सिटिंग हियर एंड माय फादर्स नेम इज मोहम्मद कमरुल जमा।
जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है प्रिपरेशन के टाइम का. कहा जाता है कि मंदिर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जर्नी होती है, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एज अ पर्सन भी. तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है. आशा सर जानते हैं कितना ज़्यादा. थैंक यू. Pushkar Gupta, my father's name Mr. Prem Shankar Gupta and my mother Sarita Gupta. I want to thank Lamplighter family and my teachers to support me. It's an awesome movement for me to be here, and I completed my school from New Public School. Thank you. और एक बात कहेंगे बच्चों तुम लोगों से कि वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर फिरे सुन न हो नाभि की धैर्य परीक्षा के आधार भार आए बच्चों. नदी पार की जा सकती है, बहना सीखो, तैरना सीखो, उसमें कूदना सीखो, तब आपको मंजिल सामने मिलेगी. कबीरदास जी ने लिखा जिन ढूंढना तिन पाई या गहरे पानी बैठ, मैं तो पूरा पुरंदर रहा किनारे बैठ.
जिंदगी में आप परेशानियां, दिक्कत, मुसीबत सब कुछ आएगा, लेकिन आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। घर में लफड़ा होगा, कोई झगड़ा होगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, टाइम से कपड़ा नहीं मिलेगा, एकाग्रता आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा एकाग्र है तो निश्चित है कि सफलता निश्चित ही है। मैंने अपने बच्चों को भी बताया, गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक कोई इंटर कॉलेज तक नहीं है। आप लोग जान रहे होंगे हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ा के लाए ना, तो लोगों ने कहा यूपी बोर्ड वाले जो होते हैं वो नहीं सिलेक्शन होता है। तो हमने कहा होता ही यूपी बोर्ड वालों का ही होता, दूसरे का नहीं होता। आत्मविश्वास नहीं हुआ तो बच्चे का भी आत्मविश्वास बनता, माता पिता को भी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब माता पिता का आत्मविश्वास होगा तो बच्चे में अवतरित होता है माता पिता का आत्मविश्वास। और जो माता पिता हिम्मत तोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं किया, इतना नहीं किया, नहीं नहीं दोबारा अच्छा होगा, फिर अच्छा होगा, फिर अच्छा होगा, होगा कैसे नहीं, इस बच्चा कोई कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। भाई भाई बराबर आपको शक्ति मिली है, दो हाथ दो आंखें दो कान, बराबर फिजिकली बराबर है, कोई दो साल बड़ा होगा कोई दो साल छोटा होगा, ऐसे तो होता है, बस वो भी इंसान है आप भी इंसान, क्यों नहीं कर पाओगे। कोई कर सकता तो हम कर सकते, कोई नहीं कर सकता तो हम नहीं कर सकते। भाई हो सकता है किसी को दो क्वेश्चन गलत हो गए, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल सही हो जाएंगे, उसका हो जाएगा, इतना अंतर होता है, दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन सर अंतर होता है और कुछ नहीं होता। एकाग्रता नहीं भंग करनी है बच्चों, मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है। कहीं आपको पार्टी में जाना है तो मत जाइए, ना पढ़िए, जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको पार्टी लोग बुलाने लगेंगे, वो भैया तो लेके आओ, भैया जरूर लेके आना, आप तो आपको जाना पड़ रहा है तो मिलता ही है निश्चित है इसमें। तो थैंक यू। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए भाई। अब कुछ बच्चों के सवाल होंगे जो जानना चाहते होंगे सिलेक्शन वाले बच्चों से जो हमारे विजेता हैं कि क्या क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन है, कोई कोई कुछ पूछना चाहता है हाथ उठा सकता है। दूर, दूर, उनको माइक दीजिए प्लीज। मिलेगा मिलेगा, वन बाय वन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय क्वेश्चन इज दैट जितने भी सक्सेसफुल पीपल जो प्रेजेंट है सब नीट वाले जो आप लोग क्वालिफाई किए हैं तो आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग किए नहीं है। हेलो, वैसे मैंने टमी किया था, उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप करके ही किया है टीयर में। गलतियां अपनी, पहली बात तो गलतियों से ही सीखते हो। मैंने 12th के साथ जब ड्रॉप डमी किया था तो मैंने मेहनत की थी, बट उसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और फिर रिजल्ट तो देखा जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये होता है कि सक्सेस जो होती है वो आप के अंदर किस तरह का है। आप जो अगर सोचते हैं काम हो जाएगा तो वो पक्का ही मतलब होना ही है उसको, जो अगर आपके अंदर
सेल्फ डिटरमाइंड है आप, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो आपके अंदर मतलब जैसे दीजिए कहेगी आपसे कि नहीं नहीं आप कर नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। जो आपके अंदर जुनून होगा, आप अपना मतलब सेल्फ डिटरमाइंड रहिए, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए कि नहीं होगा, मेरा होगा। अपने आप को कभी चाहे जो लोग चाहे जो भी चाहे, लेकिन अपने आप को स्टेबल बनाए रखना है। कभी टेस्ट होते हैं, कभी मार्क्स कम भी आते हैं, और जैसे तो मतलब से डिमोटिवेट नहीं होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस पर मेहनत करो, उसको सॉल्व करो कि कहाँ गलती हुई है, तो उसको सीखो उसी से, और बार बार रिवीजन करो। जैसे आपको जब नहीं आ रहा था फिजिक्स, तो जैसे आप फिजिक्स नहीं आ रही थी, तो आप क्या किए मतलब उस वक्त? बहुत गंदा था, बहुत ही डिमोटिवेशन फील होता है कि मुझे नहीं आ रहा है। और मेरे फिजिक्स में काफ़ी मेरी वीक थी, मेरा वीक पोर्शन था, लेकिन आप उसको मैंने जो मतलब प्रीवियस ईयर मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर गलती की थी, मैंने फार्मूला जो है वो कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए सारे फार्मूले, तो उसके जैसे पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आप एक थोड़ा जो ब्रैकेट में होता है जो सर लोग बॉक्स में करते हैं, उसको फॉर्मूले को हर नोट कर लीजिए जो कर, और आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो सर देते हैं बुक लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे अभी अदर एच इज इक्वल टू 2m और फिर एच वाई, तो उस तरह आप देखिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, उससे आप अपनी फार्मूला नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और इससे बढ़िया मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आता है, बस ये होता है कि आपको उसका फार्मूला सेट करना आना चाहिए, उसमें ये देखो कि फार्मूले में कि क्या मतलब ये क्या है, म्यू क्या है, और इसमें हर चीज़ देखो कि उसकी क्या है, और उसको फार्मूला एक पेज में नोट डाउन कर लो, एक चैप्टर के एक डेढ़ पेज में दो पेज में हो जाएंगे, तो आपको और सुबह उठ के एक दो लेसन मतलब कर लिए ऐसे चैप्टर कर लो, उसे बहुत फ़ायदा मतलब मिलेगा। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको तो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज की जो फाइव मतलब फर्स्ट वैल्यू मतलब बिल्कुल पुट करना और तुरंत आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत करना ही चाहिए प्रीवियस ईयर फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर किया था और कुछ कोई बुक नहीं लगाई थी, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर किया था। और एनसीईआरटी जैसे ऑर्गेनिक होती है तो उसके इंटरमीडिएट आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप ऑर्गेनिक को उसी से मतलब बिल्कुल जो एल्डिहाइड पोर्शन है, हैलोजन है, एल्कोहल है, एमिन्स है, वो सब एनसीईआरटी के एसडी होता है, तो आप उसको देखिए एक एक पॉइंट पे दीजिए कि हाँ मतलब जैसे फिगर को कार्बोनिक एसिड कहा, तो मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझा भी होना चाहिए और रटा भी होना चाहिए। जब आप दोनों को बस करेंगे तो आपका सही से बिल्कुल होगा। और फार्मूला फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप लोग एक एक कॉपी पे मतलब दो दो पीएच में एक एक पीएच में जितना हो सके उतना आप नोट आउट कर लीजिए, उसको सुबह एक दो लेसन ऐसे कर लिया, जब नहीं पढ़ने का मूड रहा तो एक दो लेसन ले लिया, ऐसे करेंगे तो आपको पक्का होगा और आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज मेरे केमिस्ट्री में सुबह 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 180, और 150 आउट फिजिक्स में 150 आउट ऑफ 180। भाई एक मत में एक ही सवाल है, मेरे यहाँ आने के पीछे एक रीजन है कि देखिए आपको कोई भी बच्चा यहाँ पर जवाब देगा तो वो आपको अधूरा देगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख रहा था। नहीं समझे आप? जैसे अभी गरिमा ने बताया कि फार्मूला पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर, लेकिन गरिमा ने एक्चुअली क्या किया ये गरिमा नहीं जानती। जो आपने क्रिकेट देखा है कभी? नहीं देखा है? तो बैट्समैन क्या सोच के खेल रहा होता है, आउट होने के लिए या सिक्स मारने के लिए? लेकिन अचानक आउट हो जाता है, जो देख रहा था उसको पता होता है कि कौन क्यों आउट हुआ है। तो मैं बता देता हूँ कि इनको इन्होंने जितना बताया ये तो आपको करना है, ठीक, इनको कैसे आया? एक ही चीज है, वो है जुझारूपन, वो आपके अंदर होना चाहिए, वो आपको विरासत से मिला है कि जूझते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो इन्होंने कभी छोड़ा नहीं, कभी गिव अप नहीं किया। ये बहुत परेशान आती थी, बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल आती थी, एकदम अजीब सा, सर ये नहीं आ रहा है, मेरा होगा क्या? आप अच्छा आप मुझे देखिए, आप मुझे देख के ये बताइए क्या हो सकता है मेरा सिलेक्शन, ये इसका सवाल ना, आप समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब है खुद पे डाउट है लेकिन जुनून है तो आप कर लें, ठीक है। अगला सवाल, अरे हाँ हाँ जी, हाय, मुझे
मुझे आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ये सोचा कि मैं इस किसी एक चेयर पे अगली बार मैं खोदूंगी, और मेरा जो क्वेश्चन है मतलब पर्सनली है अवस्थी बहन से, कि उन्होंने जैसे कि होता है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, बहुत सारी निगेटिविटी आती रहती है। सर ने आपके बारे में बताया कि इकोनॉमी को लेके, तो आपने उस टाइम पे अपने आपको कैसे मेंटेन रख पाया, अपनी पॉजिटिविटी कैसे बना पाई, आप हमेशा मतलब निगेटिविटी को ना ला। जब आपको मतलब जब सोचते अपने बारे में मतलब बहुत सोचते कि अब मेरा होगा या नहीं, जब ऐसा मतलब आपको लगने लगे कि हाँ नहीं होगा शायद नहीं होगा, तो आप पढ़ने लग जाएंगे। जब आप बहुत पढ़ते हैं तो आपको रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। जब पूरा हार्ड वर्क आप करते हैं पूरा दिन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बुक्स पे ही फोकस कर लिए, तो मतलब आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मेरा नहीं होगा। आप ये सोचते हो नहीं इस बार होना है मेरा होना, एकदम से बिल्कुल झुक के पढ़ाई कीजिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेटेड होके कि हाँ मुझे होना है। ये सब सोचना ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि जो आपने आपसे सोच लिया कि नहीं होगा तो आपका ही होगा नहीं, जो मतलब किसी के कहने से नहीं होता। सर लास्ट क्वेश्चन, वन टाइम ओनली वन क्वेश्चन, आप पास ऑन करिए, पास ऑन कर दीजिए फिर आएगा नंबर, आएगा फिर आएगा। हाँ जी, इधर एक बहन का था, इधर दीजिए, क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। हाँ जी, आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे वो एक एक क्वेश्चंस में आपकी सेम मिस्टेक आप देखते रहोगे, और फिर वो पेपर में आप गलत नहीं करोगे। अगर आप अपने पूरे कंसंट्रेशन से और सही तरीके से मतलब क्वेश्चन आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो सही कॉन्सेप्ट, वरना दूसरा आप किसी भी तरीके से आंसर ले आओ। अगर आप दूसरे तरीके से लगाते हो तो आप भले ही उस समय क्वेश्चन कर लोगे, पर जब वो पेपर में आएगा तो आप सही नहीं कर पाओगे। तो आप सही तरीके से क्वेश्चन लगाएं और बहुत प्रैक्टिस करें ताकि सेम मिस्टेक्स कम होंगे। पेपर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो मिस्टेक्स हो इनको एनालाइज करें कि आप सिली मिस्टेक्स किस तरह के करें, आप कैटेगराइज कर लेंगे उसको, आप अगर ध्यान देंगे तो कि मतलब मेरी सिली मिस्टेक्स इस तरह की होती है, इस तरह की होती है और इस तरह की होती है। अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये करने पर मैं ऐसी सिली मिस्टेक मेरी हो जाती है। हो सकता है आपकी मैथ्स में कुछ एरर हो जाए, हो सकता है आपको देखने में कुछ मतलब आप बबलिंग गलत कर दे रहे हो, इस तरह की चीज़ों को एक ही तरह से आप हटा सकते हैं कि आप एनालाइज कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेपर्स में और क्वेश्चन ये सब करके। अभी जैसा पुष्कर ने बोला कि हाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरी गलती कहाँ है, एक्चुअली पॉइंट कहाँ पे गलत हो रहा है। तो मेन चीज़ तो यही है प्रैक्टिस। दूसरा अभी जैसे बोला हमारे कि हाँ कैटेगराइज कर लो, मेरे से भी यही गलती होती थी कि टफ पे और इन सब चीज़ों पे पहले भाग रहे थे, और जब बाद में पता चलता था कि हाँ यार ईजी और एवरेज गलत हो रहा है, तो हमें इधर उधर नहीं भागना है। मेन चीज़ अपना ईजी और एवरेज को परफेक्ट कर लो, लेकिन हाँ परफेक्ट मतलब परफेक्ट कर लो कि उसमें एकदम डाउट ना हो रहे कि हाँ गलत आखिर गलत होने का भी चांस ना रहे, बस इतना ही काफ़ी है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत ही नहीं। थैंक यू जयश्री, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कोई किसी का सवाल, दो सवाल और लेंगे बस। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सभी के लाइफ में कैसे मोमेंट आते हैं कि जहां हम क्विट करने की सोचते हैं, और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी कुछ होते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बनाए कैसे रखा, और एग्जाम के टाइम पे वो एग्जाम प्रेशर वाला यू ऑल नो वेरी वेल, तो इसके बारे में। प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि मैं जब यही एग्जाम स्टडी करके देने गई थी तो मैं पूरा रात एक मिनट भी नहीं सोई थी, और बहुत प्रेशर था, बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल एक मिनट भी नहीं सोए, ऐसे रोज मतलब सोते थे कि सोने को मिल जाए, उतनी नींद आ ही नहीं रही थी। तो ये होता है एग्जाम प्रेशर बहुत होता है, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और सही बात है सिली मिस्टेक ही के कारण मतलब ये रीज़न होता है कि होता ही नहीं है सिलेक्स।
सिली मिस्टेक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, उसको ये कि बार बार रिवाइज किया जाए, जो अगर बार बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रिविजन जो आप पढ़ रहे हैं सी आर टी पढ़ रहे हो, बहुत बार रिवाइज करो, बहुत बार बिल्कुल रटो और फिर उसको समझो भी, समझ के रटो, बिल्कुल रटा भी होना चाहिए और समझा भी होना चाहिए। जब आप बहुत बार करते हो मल्टीपल टाइम्स तो हो जाता है। लेकिन प्रेशर सबको होता है, मतलब सबको ओवरकम करना होता है, उसका सही तरीका होता है या तो आप अपने आपको इतना बिजी कर लो पढ़ाई में कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं सोचना पड़ेगा, वरना आप किसी से बात कर लो, जैसे आशीष सर से आप बात कर लोगे तो आपको 15-20 मिनट में आप अपना प्रेशर भूल के अपनी पढ़ाई में ज़्यादा इसका जवाब सना भी बहुत बढ़िया देने वाली है, भी है कि नहीं सना? उस बावजूद हाँ कुछ तो उसमें भी हम लोग अपने सारे डाउट, सर नहीं हो रहा है, सर ऐसे हो रहा है, नेगेटिविटी कैसे दूर करें, तो आशीष सर से बात कर लो प्लीज। बच्चे पता नहीं क्यों डरते आना नहीं चाहते, पता नहीं सर क्या कहें, बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्रेशर वाला चीज मेरे साथ तो बहुत ज्यादा था, इनफैक्ट सर ने मेरा नाम रख दिया है दुखी आत्मा। और मतलब जिस टाइम पेपर था उसके एक दिन पहले हमने कॉल की, मतलब सर की खुद कॉल आई, हमने पहले मैसेज डाला तो सर पूरा समझाने लगे, और उस टाइम बस हम रोए जा रहे थे कि पता नहीं क्या मेरा रोना आ रहा था बस, और कुछ भी नहीं। फिर सर ने समझाया कि हाँ अपने अंदर पॉजिटिव बूस्टअप का जो दिया है ना सर ने, फिर अगले दिन जाके सच में मेरा पेपर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे हम और बहुत अच्छा हुआ पेपर। एग्जाम के लिए नींद तो बहुत, मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि नींद आए कि नहीं आ रहा था, लेकिन फिर फ्रेश रहने के लिए तो नींद चाहिए ही, क्योंकि एग्जाम में कंसंट्रेशन मतलब बना रहता है, तो बस। देखिए ओवरऑल एक ही बात, डर सबको लेकिन डर के आगे जीत है, समझ रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा नहीं, आप देखिए जिसने 38 रैंक ले लाया है, कोई भी सिलेक्टेड है, वो सबको डर लगता है। ये तो इनने तो मुझे फोन किया कह रही कि मेरा तो हो गई नहीं, ये साल भी लग रहा मुझे गया लिटरली। और उस दिन मैं कहीं बाहर था, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं कहीं शायद कहीं कुछ खरीदे वरीदे निकला था, मैं रास्ते में था, तो इसने बहुत भयंकर एक बढ़िया सा मैसेज लिखा कि अब मुझे लग रहा है कि ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, बहुत डर लग रहा है, रो रही है, और ये लगातार रो रही थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, डेफिनेटली नहीं होता क्या? लेकिन जब आप, जो गरिमा ने एक बात बोली ना कि आपको, और पुष्कर ने बोली कि आप इतना काम में बिजी हो जाइए अपने कि आप ये भूल जाइए कि आपको टेंशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन, नोबडी इज देयर, ठीक है? कुछ आपका अच्छा था, इनका था, पूछो जल्दी करिए। मेरी तरफ से सारे सेलेक्टिव स्टूडेंट, ठीक है कोई बात नहीं, सारे स्टूडेंट को बहुत 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 ज्यादा बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया वो तो दिख रहा है, सेलेक्ट हो गए हैं। पर मेरे को ये जानना है कि आप लोगों ने किस तरह से हार्ड वर्क किया और अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्या टाइम टेबल आप लोगों का था, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से। जी गरिमा, हर स्टूडेंट को अपना एक वीक सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग का लगता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बायो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग था कि हाँ बायो मुझे जल्दी हो जाता था, तो मैं बायो पे इतना फोकस नहीं करती थी, मुझे लगता था फिजिक्स नहीं अच्छी है तो मैं फिजिक्स ज़्यादा उसको मैं ट्राई करती हूँ, और फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, मैं बायो सबसे कम पढ़ती थी क्योंकि मुझे वो बहुत मतलब मेरा फेवरेट था केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स मुझे मतलब अच्छा ज़्यादा नहीं लगता। तब आपके क्वेश्चंस जब बनने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी, मेरे तो
जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, पूरे पूरे टॉपिक, पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के फोर्थ चैप्टर, उसके मतलब बिल्कुल मेरे वन आवर में ही हो जाते थे। मतलब ऐसे लगा जिनको एक बार जैसे किया, उसका क्वेश्चन कुछ ईजी होते, कुछ डिफिकल्ट होते, कुछ एवरेज होते, तो मैं स्टार बना लेती थी जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे, फिर उनको करके फार्मूला रिवाइज करके उनको करो तो हो जाता है। मतलब तो उस पर ज़्यादा फोकस करो जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, और जो स्ट्रांग है कम थोड़ा करो। तो ऐसे टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टाइम टेबल से बिल्कुल नहीं रह सकता, रेगुलर नहीं रह सकता, कभी कभी होता है कि हाँ नहीं पढ़ पाए तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग कि हाँ तो अरे दो दिन नहीं पढ़ा, अरे बहुत गंदा हुआ नहीं पढ़ पाए, लेकिन तब भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कहना अच्छा चलो कोई बात नहीं, दो दिन का एवरेज हम आज निकालेंगे, पूरा करके रहेंगे तभी सोएंगे, ऐसा होना चाहिए। तो पक्का मतलब दो दिन का बिल्कुल फिर एकदम से लगन से मतलब करोगे तो हो जाएगा, उसका एवरेज भी निकल आएगा। मैंने निकाला नहीं, अभी आपकी कोचिंग चल रही होगी, तब 100 क्वेश्चन शुरू कीजिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब होने चाहिए। आप जितना क्वेश्चन लगाओगे थ्योरी के साथ उतना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो कोचिंग का टाइम है, मैं जल्दी नहीं आता था, मैं हमेशा लेट आता था, आपके सर ने बहुत समझाया तो मैं टाइम पे आऊँगा। पर अगर आप टाइम पे आओगे कोचिंग, भले ही 5 मिनट भी लेट होता है, पर आप टाइम पे कोचिंग आओ, अपना जो शेड्यूल है कि क्लास के बाद मुझे ये करना है वो करना है, आप अपना डेली सुबह रास्ते में ही अपना प्लान बना लो कि आज आपको क्या क्या करना है, उस हिसाब से आप वर्क करोगे पूरे डे रूटीन के हिसाब से तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब वो कम्प्लीट हो जाता है तो अलग खुशी मिलती है और आप चैन की यूज़ करोगे। थैंक यू भैया। टाइम मैनेजमेंट का क्या था कि सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था, काफ़ी अच्छा लगता था वो मुझे, फिजिक्स अच्छा लगता था सबसे ज़्यादा, फिर मुझे बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री, तो मेरे नंबर सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आए हैं। उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी कि एंड में मैंने केमिस्ट्री में तो एकदम मतलब मुझे लगा था अगर मैं नहीं पढ़ी तो मेरे बहुत कम नंबर आ जाएंगे, मतलब बहुत बुरा हो जाएगा भी मेरे साथ इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट क्या होता था कि मैं 2 महीने एंड का बताती हूँ, मैं सुबह उठती थी और मैं अपना शुरुआत ना मतलब ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एकदम हज़ार हज़ार क्वेश्चन लगा रही हूँ ऐसा नहीं किया मैंने, सुबह उठती थी एक चैप्टर उठाया उसके 100 क्वेश्चन किए वो कोचिंग मटीरियल से फिजिक्स के 100 क्वेश्चन किए चैप्टर की केमिस्ट्री के, और मैं डायरी में लिखती जाती थी कि मतलब ये चैप्टर्स हैं और मैं टिक लगाती जाती थी कि हाँ ये आज ये वाला चैप्टर हो गया, आज ये वाला चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद बायोलॉजी भी बस रिवाइज कर लिया, क्योंकि एंड में क्या होता है कि आपको रिविजन ही सक्सीड करेगा वो, उसके अलावा मतलब अगर आप रिवाइज नहीं किए कितना भी पढ़ लिए और अगर रिवाइज नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। यही हुआ था मेरे साथ पिछले साल जब मेरे 536 मार्क्स आए थे, मैं रिवाइज नहीं करके गई थी, तो इस बार मैंने वो मिस्टेक मैंने सोचा कि मैं नहीं दोहराऊंगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया, केमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा ही कर लिया तो उसमें ज़्यादा नंबर आ गए, तो बाकी फिजिक्स में कम हो गए जबकि वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। टाइम मैनेजमेंट का हम अपना बता रहे हैं कि सच में मेरा ऐसा कोई टाइम लिखा हुआ नहीं था कि हाँ इतने टाइम पे ये करना है या इतने टाइम पे ये करना है। मेन चीज़ होती है कि खुद पे कंट्रोल कितना आप कर पा रहे हो, और सबसे बड़ी चीज़ शायद यही होती है, और मेरे लिए भी सबसे मुश्किल यही था कि इधर उधर की चीज़ों से एकदम दूर रह के सेल्फ कंट्रोल, एकदम सोच लिया तो सोच लिया बस करना है कैसे भी। और पढ़ाई को लेकर जो क्वेश्चन थे, जैसे आप क्वेश्चन लगाने बैठे कि ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कोचिंग का जो भी आपको मॉड्यूल वगैरह मिल रहा है वो, और नोट्स मतलब इतनी हद तक नोट्स को पहले समझो और फिर रट डालो कि हाँ कोई नींद में उठा के बोले तो वक्त सब कुछ, इतना सबकॉन्शियस लेवल पे हो जाना चाहिए। और जब इतना हो जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना इनफ है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं टफ करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कोचिंग प्लस नोट्स प्रैक्टिस ये 3 चीज काफी है, और दूसरा सेल्फ कंट्रोल अपने खुद पर। ठीक है, ज्यादातर बच्चों की बायो जो होता है अच्छी ही होती है, केमिस्ट्री एवरेज होती है, फिजिक्स सबसे वीक होती है, मतलब बायो को तो बहुत ही अच्छा करना है क्योंकि थोड़ी कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो फिर कोचिंग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप होना रही है, मतलब कि रिविजन ज्यादा होना चाहिए
और बायो एकदम से अच्छा मतलब रटा होना चाहिए कि बिल्कुल भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तुरंत आप मतलब बता ले जाओ, सोचना ना पड़े, ताकि फिजिक्स में थोड़ा टाइम मिल जाता है, वैसे भी टफ लगता है सबको, तो मतलब समझ के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो ज़्यादातर एवरेज ईजी क्वेश्चन आप लोग कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, तो टफ वाले तो बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। थैंक यू इन सब सभी बच्चों का, सभी सिलेक्शंस का जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इन सब से जानेंगे कि लैम्प लाइटर इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा है या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है लैम्प लाइटर इंस्टीट्यूट के साथ। मैं तो ज्यादातर मतलब जो कोचिंग के मटेरियल्स होते थे उसी को ज्यादा मतलब पढ़ती थी कई बार, और ज्यादा वो मतलब प्रीफर करो तो सही नहीं रहता ना, क्योंकि लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते ये चीज हो जाती है, और टीचर से किसी भी तरह कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, परेशानी कुछ भी खुल के बता सकते हैं, और दूसरी जगह हमने देखा है कि हाँ टीचर आए और पढ़ा कर चले गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बूस्टर मोटिवेशन मतलब हर तरह का सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है एंड आई एम थैंकफुल टू दैट। अच्छा डेवलप कर देंगे, तो क्योंकि हर तरह से मतलब इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ का, फैमिली जैसा जैसा कि सना ने कहा, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ पूरे लैम्प लाइटर की और सारे स्टूडेंट सारे टीचर्स की, और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की, थैंक यू। जैसे हजरत में बहुत सारी कोचिंग है पर वो सारी प्राइवेट है, पर लैम्प लाइटर में ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ जो स्कीम है, मतलब आप जब एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो आपको हर चीज़ में अच्छे से बता पाएंगे, जैसे आप प्राइवेट क्लासेस में करोगे तो वो आपके एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, और वहाँ पे इतने बच्चे होते हैं कि आपके वो ध्यान भी नहीं देते हैं, तो लैम्प लाइटर में अगर आप पढ़ते हो मतलब तो आपको अच्छे से ध्यान मिलेगा, और आपको मतलब ये रडार की तरह आपका काम करेगा, आपको हर चीज़ में मोटिवेट करेगा, आपको सही डायरेक्शन बताएगा, और टीचर्स जो है मतलब बहुत ही अच्छे हैं और कहते हैं आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, कोई भी डाउट चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो वो आपको अच्छे से बताएंगे। थैंक यू। और जो सर की मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड मीट में आते थे, प्रीवियस ईयर भी आए थे, मेरे गलत भी हो गए थे, लेकिन इस बार मेरे गलत फेल थे जो सर के स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल के होते क्वेश्चन, उसको मतलब बहुत अच्छे से सर ने जो फोर सेक्शन में दिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर का मॉड्यूल है, उसी को मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, मेरे पास फोन आते हैं तो मैं सर को मतलब रिकमेंड करती हूँ कि उनका मॉड्यूल बहुत अच्छा, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर चीज़ के बारे में जैसे स्क्रू गेज पे था, सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन था, सर ने सब कुछ कराया था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर ने सिर्फ मतलब थोड़े ही उसमें सब कुछ करा दिया था, और वो सारा पेपर सर की कॉपी से ही था, सर के नोट्स से ही था, तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मतलब मेरी फिजिक्स तो बहुत सर की वजह से ठीक अच्छी होगी, मैं 50 आउट ऑफ 180 आई, सर को थैंक यू।